अदर वैक्सीन्स। और यही नहीं, मुंब्रा की बड़ी समस्याएं जैसे कि एडिक्शन और ऐसी ही बीमारियों के लिए भी प्रिवेंटिव एंड रिहैबिलिटेटिव सर्विसेज अवेलेबल की गई है। हमारा यही मोटो है कि हम एक ऐसा हॉस्पिटल बनाएं जो लोगों को अपना सा लगे। मेडफोर्ड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो कि 60 बेडेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, यहाँ पर हमने कुछ सर्विसेज रखी हैं जैसे कि क्यूरेटिव सर्विसेज है, प्रिवेंटिव सर्विसेज है, रिहैबिलिटेटिव सर्विसेज है, डायग्नोस्टिक सर्विसेज है। मैंने और मेरे जो पार्टनर है मिस्टर मेहरा जरीवाला सर, हमने सोचा था कि मुंब्रा के लिए हम कुछ अच्छा बनाए, कुछ अच्छा करें, जैसे कि बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ विथ लो इकोनॉमिकल एंड अफोर्डेबल रेट्स में हम पब्लिक को सर्विस दें, इसलिए हमने ये हॉस्पिटल बनाया। सो प्लीज डू विजिट अस एट मेडफोर्ड हॉस्पिटल। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू मेडफोर्ड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां हमारा विजन है टू बी अ स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी दैट सर्व्स नॉट ओनली द लाइट फ्यू बट जनरल पब्लिक एट लार्ज। और हमारा मिशन है टू ओपन अ चेन ऑफ हॉस्पिटल्स टू सर्व द लोअर स्ट्राटा ऑफ द सोसाइटी, अगेन एट अफोर्डेबल कॉस्ट। Thank you so much everyone and we are looking forward to serving you at Medfort Multispeciality Hospital. मैं हूं जहांगीर रियासत, आप देख रहे हैं न्यूज ऐप के। शाहरुख खान, SRK, जब आपके सामने दिक्कतें आई तो आपने कहा कि दिक्कतें तो बहुत थी लेकिन लोगों का प्यार का जो पानी बह के आया नदी बन के उस दिक्कत को बहा दिया। उन जनता को क्या संदेश देंगे, उन प्यार करने वालों को क्या आपके शब्द जाएंगे? जनता है जो व्यूअर्स है, जो सब्सक्राइबर है हमारे, जो भी देख रहे हैं इस वक्त या बाद में देखे कभी भी, तो बस इतना ही कहूँगा कि किसी भी काम को बड़ी शिद्दत से करें और हार ना माने कभी, तो पूरी लगन और मेहनत के साथ अपना जो भी बेस्ट है वो करते रहिए। इंशाल्लाह एक दिन आपको सक्सेस मिलेगी। अगर सक्सेस ना भी मिले तो कभी जीवन में अपनी लाइफ में ऐसा नहीं होगा कि आपने कुछ किया नहीं, हमेशा कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहिए, अपने आप को बिजी रखने की कोशिश करें और एकदम जो भी हाल में है आप, कोई जिस हाल में भी हो, जहाँ भी हो, मतलब उस चीज उस जगह को उस जो भी मोमेंट में आप जी रहे हैं उसको एंजॉय करें अच्छे से, क्योंकि रोने के लिए सैड होने के लिए पूरी लाइफ रहती है लेकिन खुश होने के लिए कुछ पल होते हैं, तो उस पल को जाया ना करें, हमेशा खुश रहें जो भी हाल में है, जो भी करता है भगवान अल्लाह उसकी मर्जी से करता है, लेकिन एक ना एक दिन आपकी जरूर सक्सेस होगी इंशाल्लाह। कुछ डायलॉग तो जैसे आप यहाँ पे आए हो हमारे गुजरात जूनागढ़ में, डायलॉग है सर पठान के, पार्टी पठान के घर में रखोगे मेहमान नवाजी के लिए पठान नवाजी और साथ में पटाखे भी लाए। वो पठान भी आया पटाखे भी लाया जी। और जैसे कि बहुत सारी चीज़ें हैं, अब आपका जो सपने थे बनने के बाद ये करना है वो करना है ये हो गया है ये बात हो गई, कुछ सपने पूरे होते हैं, कुछ सपने काम करता है यार। एक्चुअल में मैं कोई फ्यूचर में कुछ देखता नहीं हूँ ज़्यादा, मैं देखते नहीं हूँ तो क्या शहर में जब निकलते हो चश्मा लगा? हाँ, मैं ऐसे गूगल्स लगा लेता हूँ क्योंकि जब मुझे कुछ शूट करना होता है तब मैं ऐसे गूगल्स लगा लेता हूँ। तो सर की बातों में तो ये है कि झूठेगा नहीं, मेहनत करेगा किंग खान बनेगा, तो आप? हाँ, तो हम भी बस पूरी लगन से मेहनत से मेहनत करते रहते हैं, जो भी कर सकते हैं हमारा मेरा बेस्ट है वो हमेशा करता हूँ, बस अच्छा करूँ, अच्छे अच्छे वीडियो में भी बनाऊँ उनकी तरह मतलब उनकी पूरा 100% की तरह कॉपी करने की तरह, मैं वही करता हूँ जो आप करते हो। आपके फैंस फॉलोइंग है, साथी के फैंस फॉलोइंग है, आपका एक वीडियो वो भी बहुत वायरल हो रहा है,
जब आप एयरपोर्ट पे थे वहाँ पर चेकिंग के दौरान पे आपने क्या कुछ हाँ उसकी हकीकत वो दिल्ली एयरपोर्ट का है जब हम आ रहे थे वहाँ से रिटर्न हो रहे थे फ्लाइट थी राजकोट की थी उस टाइम का वो वीडियो सोचा नहीं था वो बहुत सारा वायरल हो गया आज की डेट में मतलब मेरा सबसे ज़्यादा वायरल होने वाला वीडियो वही मैं तो अंदाज से बोल रहा हूँ लेकिन आपने वहाँ तक पहुँचा दिया उसको उस मुकाम पे है ना कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती यूँ ही मेहनत करते हैं लगन से काम करते हैं देखिए मैं मुंबई से आपके जूनागढ़ में हाँ जी क्या आपने सोचा था कभी न्यूज़ एफके की टीम आकर आपका इंटरव्यू नहीं कभी नहीं सोचा था जैसे आपने मुझे कॉन्टेक्ट किया और आपने बताया कि मैं जैसे का आर्टिस्ट होता है कि जल्दी उसके पास वक्त नहीं मिलता है कट टू कट रहता है उसमें से आपने मुझे दो दिन का समय दिया आज की और कल तो मैंने कल करे सो आज करे सो कुछ दिक्कतें आती है टाइम के लिए लेकिन हम जब टाउन में होते हैं तो हमारे पास थोड़ा टाइम रहता है एकदम थोड़ा जो भी काम है जो पर्सनल काम है जो भी है वो कर सके हम यहाँ थोड़ा आते हैं तो टाइम लेके आते हैं जब यहाँ से हमारा कहीं जाना होता है उसके बाद जो मैं एक एक महीने दो दो महीने तक अपने घर नहीं आ पाता हूँ लेकिन अभी मानसून है अभी हम फ्री है एकदम तो मेरा ये भी पूरा मतलब मैं यहीं हूँ के बाद मेरा फिर से स्टार्ट हो जाएगा बहुत अच्छी सीढ़ी चढ़े इब्राहिम कादरी जी अल्लाह ताला ने आपको मतलब प्यार दिया नाम दिया फैम दिया अब क्या चाहिए बस ऐसा ही प्यार और मोहब्बत हमको मिलती रहे और बस हम कुछ ना कुछ नया जितना हो सके उतना अपने हिसाब से मेहनत से अपने बेस्ट से मतलब देते रहेंगे अपने व्यूवर्स को जो भी सब्सक्राइबर है फैंस है जो भी देखने वाले कहीं भी रहते वही कोशिश करेंगे बस हम अच्छे से अच्छा करें 5,500 सब्सक्राइबर 6 महीने में न्यूज़ एफके की टीम लगातार सुबह ना देखा ना शाम देखा जिंदगी हुई तमाम देखा ना बारिश ना क्या कुछ आंधी तूफान बस करना है पसीना तान के सर के कफन पान के निकले हमारे मुमरा शहर के जो व्यूवर्स है सब्सक्राइबर है उनको आपके जरिए क्या संदेश देंगे क्यों इतना प्यार दे दिया क्यों मुझ पर भरोसा जी जो भी हमारे मुंबई मुमरा से जो भी व्यूअर्स जुड़े हैं जो भी देख रहे हैं सब्सक्राइबर हैं हिंदी चैनल की लगन की उनकी बहुत सारी मेहनत है बहुत लगन से काम करते हैं एक बार बोलने पे वो मतलब जूनागढ़ से मुंबई वो ट्रेन का सफ़र था हाँ ट्रेन का सफ़र करके आए मतलब इतनी इतनी सी न्यूज़ के लिए बहुत सारी मेहनत करते हैं कि हम अपने व्यूअर्स को कुछ ना कुछ नया दे पाए अच्छे से न्यूज़ दे पाए बहुत सारी मेहनत है इसके लिए न्यूज़ एफ के जो उनकी चैनल है उसको लाइक करें सब्सक्राइब करें और बहुत सारा प्यार दें ये और भी नई नई जगह आपके लिए उठाते रहेंगे और आपके लिए कहीं ना कहीं से वो न्यूज़ निकालते रहेंगे देखिए कहीं ना कहीं से तो न्यूज़ निकल ही रही है हमारे आज के कैमरामैन हैं निसार जी बहुत ही एक्टिव है वो आपके एक सीधे हाथ का क्या कहते हैं राइट कंधा है हमारा और सुबह भी नहीं शाम भी नहीं और रात भी नहीं 24 घंटे आपकी खिदमत में हाजिर उनके लिए कैसे उनके लिए तो मेरा बहुत सारा प्यार हो वीडियो खत्म होने के बाद भी मैं उनको बहुत सारा प्यार देने वाला हूँ जनता जो आपके हैं लोग जनता को आखिरी संदेश क्या देंगे आपके प्यार भरे अंदाज सर का एक डायलॉग बोलूँगा कि इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश कहते हैं किसी चीज़ को दिल से चाहो पूरी कायनात मुझे तुमसे मिलाने की कोशिश आज आप सब ने मुझे मेरी चाहत से मिलाया थैंक यू वेरी मच और हाँ तुम्हें जान के कोई धंधा छोड़ा नहीं और धंधे से बड़ा कोई धंधा पार्टी पठान के घर में रखोगे नवाजी के लिए बुरा और साथ में पटाखे भी लाए ये जवान मूवी से डायलॉग जो अभी नया रिसेंटली अभी आया है जवान मूवी से आ रही है जब मैं विलन बनता हूँ कोई भी हीरो ठीक नहीं
तो इमरान कादरी जी, खट्टे मीठे सवाल, बहुत ही लाखों इंटरव्यू किए जी, ये इंटरव्यू कैसा लगा? बहुत इंजॉय किया, बहुत जोए के साथ किया, और आपका जो नेचर है वो काफ़ी अच्छा लगा। कम लोग होते हैं जो इस तरह से अच्छा नेचर रखते हैं, लेकिन आप तो एकदम दोस्त की तरह मुझे इंटरव्यू किया, तो बहुत अच्छा मन सा लगा। ऑन द बेस्ट, हमारी शुभकामना आपके साथ, क्योंकि तरक्की करता है। लव यू ऑल। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें।